हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते। जिस तरह हमारे बाजुओं में मछलियां हैं, जिस तरह बैलों की पीठ पर उभरे सोटियों के निशान हैं, जिस तरह कर्ज के कागजों में हमारा सहमा और सिकुड़ा भविष्य है, हम जिंदगी, बराबरी या कुछ भी और इसी तरह सचमुच का चाहते हैं। नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। अभी मैंने जो ये पंक्तियां सुनाई वो पंजाब के सबसे लोकप्रिय और क्रांतिकारी शायर अवतार सिंह पाश की कविता की हैं। लेकिन आज भी उतनी ही सच, उतनी ही जिंदा, उतनी ही ताजा। अगर हम कहें कि आज के चुनाव में भी पाश पंजाब के हर एक व्यक्ति की तरफ से बोल रहे हैं, अपने हुक्मरा, अपने राजनेता से सवाल कर रहे हैं, तो कुछ गलत ना होगा। वोटर भी आज यही कह रहा है कि हमें सब कुछ सचमुच का चाहिए, झूठ मूठ का नहीं। झूठ मूठ के नारे, झूठ मूठ के वादे, झूठ मूठ के घोषणा पत्र बहुत दिख चुके। शायद यही वजह है कि पंजाब का चुनाव बहुत अहम हो गया है। तो शुरू करते हैं चुनाव चक्र। उत्तर प्रदेश में दो चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और 20 फरवरी को तीसरे चरण की तैयारी है। इसी के साथ इसी दिन पंजाब के भी चुनाव होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद अगर इस बार कोई राज्य महत्वपूर्ण बना है तो वो है पंजाब, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा किसान आंदोलन में कोई तपा है, जुटा है, तो वो है पंजाब। चुनाव तारीखों की घोषणा होने तक पंजाब सबसे आसान और एक पक्षीय चुनाव माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगे वैसे वैसे पंजाब का चुनाव सबसे मुश्किल होता गया। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब और यूपी के तीसरे चरण की, लेकिन शुरुआत पंजाब से। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इसका गुणागणित। पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल सीटें हैं 117, जो मोटे तौर पर 3 दलों, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल में बटी हुई हैं। 2017 के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने 7 चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। हालांकि इस बार अमरिंदर अलग हैं और भाजपा की पिच पर खेलते नजर आ रहे हैं। 2017 के चुनाव में कुल 117 सीटों में से कांग्रेस ने कब्जाई थी 77, यानी 77 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी 20। शिरोमणि अकाली दल 15 सीटों पर विजय हुआ, जबकि पंजाब में उसकी जूनियर पार्टनर भाजपा सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। लोक इंसाफ पार्टी यानी LIP के खाते में आई 2 सीटें। LIP आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में आया था 38.5% वोट शेयर, जबकि आपने हासिल किया 23.72% और उसके सहयोगी लोक इंसाफ पार्टी ने पाया 1.23% वोट। शिरोमणि अकाली दल को मिला 25.24% और उसके सहयोगी भाजपा को 5.39% वोट। इस चुनाव में इन दोनों पार्टियों की राह अलग है। अदर्श यानी अन्य के हिस्से में भी 6% के आसपास वोट आया। अदर्श में नोटा शामिल है। जैसे हमने पहले भी कहा कि किसान आंदोलन के चलते इस बार के पंजाब के चुनाव बेहद अहम है। कांग्रेस के सामने भी सत्ता में वापसी की चुनौती है, क्योंकि पंजाब के इतिहास में भी किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कम ही होती है। हालांकि 2012 में इतिहास बदलते हुए अकाली दल और भाजपा गठबंधन ने सत्ता में वापसी की थी, और इस बार यही चुनौती कांग्रेस और उनके नए सिपहसालार चरणजीत सिंह चन्नी के सामने है। न्यूज क्लिक रिपोर्ट। तो आपने देखा 117 सीटों का गणित। अब चलते हैं अपने साथी पत्रकारों के पास और लेते हैं ग्राउंड का हाल। पंजाब से हमारे साथ जुड़ेंगे शिवेंद्र सिंह जी और रवि कौशल। सबसे पहले चलेंगे शिवेंद्र जी के पास। शिवेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज क्लिक में। शुक्रिया जी मुकुल जी, बहुत बहुत मेहरबानी। आज मैं अमृतसर में हूँ और जलियांवाले बाग में एक जगह पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, बहुत ऐतिहासिक जगह आप बैठे हैं। क्या देख रहे हैं आप पंजाब के चुनाव का हाल?
आपने जो शुरुआत की पाश के एक लाइन से की, हमारे पंजाबी के बड़े कवि थे, आज भी पंजाब उनकी रिस्पेक्ट करता है, और उन्हीं का ही एक कलाम है, पंजाबी में सुनाऊंगा, कि जिंदगी दा जद कदे अपमान कीता है किसे, मौत बन के मौत दी आंदे रहे ने लोग, इस तरह भी रात नूर रिश्नौंदे रहे ने लोग। सो पंजाब की एक सरजमीन है, आपको पता है पंजाब के टोटली इलाके को हम तीन इलाकों में देखते हैं, माझा, मालवा और दुआबा। दुआबा सबसे पहले मालवा एरिया से शुरू करता हूँ। 69 सीट्स है यहाँ पे, 69 सीट्स मतलब सबसे ज्यादा सीट है 117 में से मालवा एरिया में। यहाँ हमें जो दिख रहा है, लोग काफी वोकल होकर बोल रहे हैं, काफी मुखर होकर बोल रहे हैं, इसमें से जो एक स्पष्ट चीज आ रही है कि दोनों बड़ी पार्टियों से वो फ्रस्ट्रेट हैं, उनके प्रति रोष दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी की और वो अपना झुकाव दिखा रहे हैं। कम से कम देखो उनमें से काफी सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी हमें दिख रही है जहां लोग बोल रहे हैं, पर हो पिछली दफा भी आपको आम आदमी पार्टी की बेब लगी थी, लेकिन हुआ क्या कि चुनाव से पहले, ठीक पहले नतीजे आए तो 20 सीटें रह गई, 18 मालवा में, 2 दुआबा में रह गई। इस समय कहानी ये है कि मालवा में बेब है, यहाँ से कई सारे जो भी ये बेब है वो पूरी वोटों में तब्दील होती है कि नहीं होती, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहीं आपको रोकूंगा, मैं जानना चाह रहा था सबसे शुरुआत में कि राजनीतिक बयानबाजी और जमीनी मुद्दे ये किस तरह से हैं। देखिए पहली बात तो के जमीनी मुद्दे नेताओं के तो कोई रहे ही नहीं, इनका तो चेहरों का मुद्दा हो गया। अब लोगों के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मैं मालवा रीजन के खासकर, वैसे तो टोटली पंजाब में जो 2-3 मुद्दे बड़े, नशे का मुद्दा, ड्रग का मुद्दा है जिसे हम बोलते हैं, फिर बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, ये एक बड़े मुद्दे, जब आप लोगों से बात करते हो तो ये मुद्दे दिखते हैं आपको जमीन पर, लेकिन चुनाव में ये मुद्दे नहीं है। अच्छा, दूसरा, कई सालों से पंजाब के नौजवान बड़ी गिनती में विदेशों में प्रवास कर रहे हैं, उसका कारण क्या है कि जहां रोजगार नहीं है वो सवाल भी एड्रेस नहीं हुआ रहा। उल्टा क्या कि अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जो विदेश जाना चाहते हैं हम विदेश जाने वालों के लिए स्पेशल फंड देंगे आईलेट्स कर सके, वो मतलब रोकना नहीं बच्चों को, यहाँ नौकरी नहीं देनी, वहां जाने का बंदोबस्त हम करेंगे। ये मुद्दे हैं बड़े। अच्छा, बेरोजगारी दो तरह की है मुकुल, एक तो है हमें दिख रही बेरोजगारी है जो स्पष्ट तौर पे कोई एक बेरोजगार है, एक बेरोजगारी आदर्श बेरोजगारी है। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, ठीक है, पहले तो मैंने टीचर का एलिजिबल टेस्ट पास कर लिया, जो एक टीचर बनने की योग्यता वाला टेस्ट होता है, उसको पास करने की के बाद में मैंने जो मैं विषय का माहिर हूँ, जैसे मैं सोशल साइंस का माहिर हूँ मान लीजिए, तो मुझे वो टेस्ट पास करना पड़ेगा, वो टेस्ट पास कर लिया मैंने जी, फिर मुझे नौकरी मिलेगी, पर नौकरी कितने की मिलेगी, 8,000-9,000 की, 3 साल मुझे इस नौकरी करनी पड़ेगी इसी तरह, फिर मैं जाकर बड़ी तनख्वाह वाला बंदा बनूंगा। अब कमाल की बात है, जब मुझे 9,000 की नौकरी मिली, मैं हूँ लुधियाना जिले का, मेरी बदली कर दी उन्होंने जाकर जी अमृतसर में, मैं अपनी बीवी बच्चों को भी यहाँ लेके जाना है, तो सवाल आप, मैं 9,000 में कहाँ मैं किराया दूंगा, कहाँ अपने बच्चे को रखूंगा, ये आदर्श बेरोजगारी है जो जी, जी, जी। लोगों को लगता मतलब है रोजगार भी है, नाम के लिए रोजगार है कागजों पर, वो कोई रोजगार नहीं है, उसमें कोई गुजारा नहीं होगा। दूसरा जैसे मालवा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, आप देखिए कि यहाँ दुकानदारी वाली यूनिवर्सिटी तो बहुत है, लेकिन जो मेन यूनिवर्सिटी जिन्होंने जिनमें आम गरीब लोगों ने आना होता है, मालवा में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहाँ सिर्फ खेती से रिलेटेड खोज होती है, लेकिन जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी है जो सभी को समा सकती है वो एक ही यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, वो भी कर्जे में है, कम से कम 150 करोड़ का कर्जा है इस यूनिवर्सिटी पे। कहने का मतलब इसको सुधारने की हालत किसी भी गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की, ये एजुकेशन का हाल आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ से जी। तो तीनों रीजन जो आपने बताया, माझा, दुआबा, मालवा, क्या रीजन वाइज कुछ मुद्दे बदल रहे हैं या एक ही तरह के मुद्दे हैं, नशा मुक्ति और रोजगार ये सब, महंगाई? देखो मोटे मुद्दे एक ही तरफ के, फॉर एग्जाम्पल ये जो तीन मुद्दे, थोड़ा सा बेअदबी वाला मुद्दा भी है, थोड़ा सा माझा में है और थोड़ा सा आपको मालवा के कुछ हिस्सों में मिलेगा, लेकिन थोड़े चीजें अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अपना, क्या बोलते हैं, दुआबा की बात करते हैं। दुआबा में आमतौर पे हम देखते हैं कि 38% जो है वो दलित आबादी है, ठीक है, वैसे पूरे पंजाब में 32 है लेकिन दुआबा में 38 है, जहाँ एक कास्ट का जो पहचान का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, दलितों के उधार का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है, फिर आप माझा में आ जाइए, माझा में ड्रग का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इसके साथ ही जो थोड़ा कुछ पंथिक इशू भी यहाँ है, ये थोड़े से अलग दिखाते हैं, मतलब दूसरे रीजन से दिखाते हैं। अच्छा,
अच्छा, इसके साथ ही यदि हम बात करें कि जो दलित वोट बैंक है जिसपे सभी पार्टियां ध्यान रख रही है, पंजाब के दलितों के भी अलग अलग मुद्दे हैं। मालवा का दलित है, उसका मुद्दा है कि जो खेती वाली जमीन है उसमें खास हिस्सा है जो उसका, वो उसे मिलना चाहिए। दुआबा वाला दलित है, उसका इशू है कि उसकी पहचान का इशू बड़ा इशू है जो है। माझा वाला दलित खासकर जो क्रिश्चियन बना हुआ है, उसके कब्रिस्तानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। सो यहाँ आपको मुद्दे भी उनके अलग अलग नजर आएंगे जी। एक ये तो मुद्दों की बात हुई, किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है पंजाब और बिल्कुल तपावा रहा पंजाब लंबे समय, तो उसका कोई असर है क्या? कुछ किसान संगठन भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनकी तरफ भी कुछ झुकाव है, किस तरह से है ये? देखो, ये असर ना इस ढंग से नहीं हम देख सकते कि वोटों के ढंग से, ये ना और ढंग से है। जैसे कि एक तो किसान आंदोलन ने लोगों को सवाल करना सिखाया है, लोग सवाल कर रहे हैं, अपने नेताओं को घेर के सवाल कर रहे हैं भी बताओ तूने क्या किया हमारे लिए, इतने समय में क्या कर किया तूने बताओ। अच्छा, दूसरा चीज, जो किसान संगठन ना चुनाव लड़ रहे हैं वो ये बहुत छोटे संगठन है, मतलब इनका एक जिले तक, एक छोटे इलाके तक है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो चुनाव नहीं लड़ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब में 34 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से सिर्फ 22 चुनाव लड़ रही है, 22 में से भी दो निकल गई है। जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बीके जो एकता उग्रह, वो चुनाव नहीं लड़ रही, जो इसको हम मानते कि मालवा में उसकी पैरलर सरकार चलती है, तो बीके जो एकता डकौंदा है वो भी नहीं लड़ रही। ये दोनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, फिर माचा में आ जाते हैं जहाँ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, ये भी नहीं लड़ रही। दुआबा और मालवा में होल्ड रखने वाली कीर्ति किसान यूनियन भी नहीं चुनाव लड़ रही। बड़ी यूनियन किसान जिनके साथ बहुत सारा लोग जुड़ा हुआ है वो चुनाव नहीं लड़ रहे। ये छोटी है, इस कारण एक तो ये प्रभाव दिखता नहीं। अच्छा, एक और चीज है जो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ झुका है ना, ये भी इसमें भी हम किसान आंदोलन का एक प्रभाव देख सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, जितने भी लेक्चर हुए पंजाब में, वहां एक बात आखी गई कि आप भाई सब परंपरागत पार्टियों को बदल दो, ठीक है। तो अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो भाई सब परंपरागत नहीं है, हम तो नए हैं, आप फिर हमें यूज करके देख लो। जितने भी लेक्चर हुए तो उनमें से यही आया कि आप परंपरागत को बदलो। तो इसी पर मैं पूछूंगा कि नया चेहरा चन्नी साहब नया चेहरा है और नई पार्टी आम आदमी पार्टी, तो पंजाब किस तरफ देख रहा है? नया चेहरा उसे पसंद आया या नई पार्टी? नहीं, देखिए, दूर बैठ के ना हमारी दिल्ली में क्या एक दिक्कत ये है कि दिल्ली में एक मोटा मोटी ना जो जमा घटाओ चलता है वो चलता है कि 32% दलित है जी, चन्नी को खड़ा कर दिया, सारी की सारी दलित वोट आ गई। ऐसा नहीं है पंजाब में ना। देखिए, आप जैसे मालवा एरिया है, मालवा एरिया में आपका दलित मुद्दा उतना भारू नहीं रहेगा। जैसे कि मालवा एरिया में बहुत सारे दलित आपके साथ जुड़े आपको दिखेंगे। वैसे टोटली ना पंजाब में है क्या 39 दलितों की सब कास्ट है। अब उनके बीच अंदर का कंट्रडिक्शन रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रविदासिया, रामदासिया, बाल्मीक हो गया, तो बजवी सिख हो गया, भगत हो गए, इनके अंदर के अपना कले है। अब जो चन्नी जिस कम्युनिटी से आते हैं वो रविदासिया सिख कम्युनिटी है, जो उसका जलंधर में काफी होल्ड है। अब जैसे दुआबा एक बड़ा एरिया है, आप ये मान सकते हैं कि 100 में से दुआबा एरिया में जो बड़ा एरिया है दलित एरिया, 100 में से 30% वोट तो उनकी तरफ झुका रखता है, लेकिन 70 को कैसे वो अपनी तरफ करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, मैं इसी में थोड़ा सा छोटे में ही आपसे जानकारी चाहूंगा कि पंजाब में डेरों का रोल बहुत कहा जाता है, इस बार डेरों का रोल किस तरह है, कितना असर है? मुझे ना मुकुल लगता है कि ये सवाल को ना हमें थोड़ा दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि 12 तक, जहाँ 7 और 12 के चुनाव तक तो डेरों का रोल रहा है, उसके बाद दो डेरे बड़े, एक तो डेरा ब्यास है, डेरा ब्यास कभी भी खुल के नहीं आता। डेरा सिरसा खुल के आया था साथ में, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी। फिर उन्होंने ना क्या किया कि जब सपोर्ट देनी होती तो उम्मीदवारों को सपोर्ट देता है। इस बार जो हम मेरे अपने जैसे मैं फील्ड में था, मुझे अपने संपर्क से पता लगा है कि डेरा सिरसा ने, जैसे यहाँ तो बातें थी ना भी बीजेपी को सपोर्ट दे देंगे, अब सवाल है कि जो पंजाब में डेड पार्टी है वो डेड पार्टी को क्यों सपोर्ट देंगे। यहाँ उन्होंने कुछ उम्मीदवारों को चुन लिया है। चलिए, हम डेरों से आगे बढ़े अगर, तो कई खिलाड़ी हैं, क्योंकि आपके चुनाव में खुद अमरिंदर सिंह जी हैं, कैप्टन अमरिंदर, और सिद्धू का भी एक अलग तरह का रोल रहता है। इस सबको किस तरह देख रहे हैं आप, अगर उसमें देखें? अब जो चक्कर ये है कि कैप्टन अमरिंदर की जो पटियाला सीट है वो काफी उनके लिए ना मुश्किल हुई हुई है। मैं कह सकता हूँ कि अभी उनका पेज फंसा हुआ है। उसका, हालांकि कुछ दिन पहले मजबूत थे, लेकिन कारण ये है कि आप देखिए, आप उस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हो जो पार्टी जमीन पे
जिसको लोग अच्छा नहीं मानते बीजेपी को, तो उसका तो आपको हरजाना भरना ही पड़ेगा भाई साहब। दूसरी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू वाली सीट बहुत फंसी हुई। आज मैं उसी हलके में जाके आया हूँ, उसी कंस्टिट्यूंसी में जाके आया हूँ, बहुत फाइट है। मुझे लगता है कि फैसला बहुत कम मतों से होगा। सिद्धू के लिए एक बहुत चुनौती है विक्रमजीत सिंह मजीठिया की। जी चलिए, फिर आपके पास हम दोबारा चुनाव बाद आएंगे। अभी एक और साथी से हम पंजाब का हाल लेते हैं। फिलहाल शुक्रिया जी। हमारे साथ हैं हमारे साथी संवाददाता रवि कौशल जी। रवि, आप पूरा पंजाब घूम रहे हैं लंबे समय से, काफी समय से, क्या देख रहे हैं आप, कैसा माहौल है? मुकुल जी, अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपके बारे, मतलब यहाँ के चुनावी परिदृश्य के बारे में, तो देखिए दो चीजें। एक तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है हमें कि एक अंडर करंट जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कितना बड़ा है और क्या वो आम आदमी पार्टी को लेट से पूरी की पूरा एक मैंडेट दिलवा सकता है, वो देखने वाली बात है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कई जगहों पे गया तो लोगों में एक असंतोष है कांग्रेस और लेट से अकाली दल को लेके। दोनों पार्टियों की जो छवि है वहाँ, वो यहाँ पे मैं ओवरऑल कहूँ कि एक करप्ट तरीके की छवि है, जिसपे माइनिंग का पैसा जहाँ पे नहीं मिल रहा स्टेट को। हमारी बात एक प्रोफेसर से हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि पंजाब को 20 से 25 हजार करोड़ रुपया जो है सालाना नहीं मिलता और वो लीक हो जाता है ड्यू टू लीकेजेस, मतलब करप्शन है, बाकी इशू है उसमें, उसकी वजह से ये जो है पूरा लीक हो जाता है। तो सैन माफिया का बड़ा इशू है, लीकर माफिया का बड़ा इशू है, और ड्रग्स माझा की बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, माझा पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका है, स्मगलिंग की जो है बड़े तौर पे वहाँ पे इशू है। कहीं ना कहीं तौर पे बहुत सारे चेहरे हैं उनको जो है सीधे ड्रग्स से जोड़ के देखा जा रहा है। तो ऐसे में एक हम कहें कि लेट्स से एक चाह है लोगों में कि वो बदलाव हो, लेकिन इसमें एक जो फैक्टर है वो किसान आंदोलन का भी है। SSM जिसे हम संयुक्त समाज मोर्चा कह रहे हैं, वो जो बदलाव चाह रहे हैं, अब वहां से दो वोट कटेंगे, एक आम आदमी पार्टी के फेवर में गिरेगा और एक SSM के फेवर में गिरेगा। लेकिन जहां पे मान लीजिए टफ फाइट होती है और वहां पे 1000 या 1500 से हार जीत का फैसला होता है, तो SSM अगर वो वोट काट देता है तो आम आदमी पार्टी के साथ ऐसे वो सीटें जो है निकल। रवि, पहले मैं चाहूंगा आप ये बताएं दर्शकों को हमारे कि आप इस समय कहां बैठे हैं और आपने कितना एरिया अभी पंजाब का घूम लिया है और उसमें क्या क्या आप फेर बदल देख रहे हैं हर दिन? देखिए मुकुल जी, मैं अभी हूँ रोपड़ में, एक जगह है अभी हम बालाचौर के पास के इलाके में है। यहाँ पे अभी तो आप हाईवे पर बैठे हैं जी, हम यहाँ पे सैंड, ये जो सैंड माइनिंग जो होती है इलीगल सैंड माइनिंग, उनसे वो कवर करने जा रहे थे तो हमें बीच में हाईवे पे एक जगह रुके हैं। मैं बुनियादी तौर पे मैं मालवा के कई इलाकों में गया, पर्टिकुलरली लेट्स से मुक्तसर, भटिंडा, देन पटियाला, देन उसके साथ में लगता हुआ इलाका जो मानसा का थोड़ा इलाका है मान लीजिए, इधर की साइड में माझा के इलाके में गया, अमृतसर के इलाके में। अमृतसर के बारे में बात हो रही थी, बस एक छोटी सी बात ये जोड़ना चाहता हूँ ताकि दर्शक समझ पाए कि अमृतसर से जो भारत पाकिस्तान जो पूरा व्यापार होता था उससे हजारों लोगों को नौकरी मिलती थी, अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर के लोगों को। एक स्टडी है बाकायदा कि 50,000 फैमिलीज की जो है रोजी रोटी चली गई जब 2019 में भारत ने जो व्यापार बंद किया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पुलवामा का पूरा अटैक हुआ था। लेकिन उसके बाद हम ये पा रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद कोई भी पार्टी इसको डिस्कस नहीं करना चाह रही, तो एक मुद्दों का अभाव है जाहिर तौर पे। अलग अलग रीजन में, मालवा में एग्रेरियन डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है। एक स्टडी हुई थी यहाँ पे, 3 यूनिवर्सिटीज ने स्टडी की थी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये तीनों स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है। उन्होंने पाया कि 16,000 किसानों ने 15 साल के दौरान खुदकुशी की है, उसमें से 11,000 किसान जो है वो मालवा के इलाके से हैं, और यही वो इलाका है एग्रेरियन डिस्ट्रेस की वजह से जहाँ से किसान बड़ी संख्या में जो है हम कहें सिंगू बॉर्डर और बाकी जगहों पे गए थे। तो कई तरीके के सवाल यहाँ पे हैं, अब इन सवालों के बीच में हमें देखना होगा दिलचस्प कि किधर की साइड जाता है। लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि बिखराव
वोटों का बहुत ज्यादा है। अकालियों ने बसपा के साथ अपना गठबंधन बनाया है, कैप्टन ने बीजेपी के साथ पे अपना गठबंधन बनाया है, आम आदमी पार्टी अकेले है, कांग्रेस का अपना मैं ये कहूँ पूरा वो है, और किसानों की कुछ कुछ जगहों पे जो है छोटे छोटे पॉकेट्स में है, तो बिखराव बहुत होगा। अब ये बिखराव किसके फेवर में जाता है या किसको नुकसान करता है ये हम तो यही उम्मीद करेंगे किसी के फेवर में जाए, किसी के बिखराव किसी के पक्ष या विपक्ष में जाए, पर पंजाब के पक्ष में जाना चाहिए। फिर हम आपके पास आएंगे। अभी अब 20 तारीख को अब चुनाव है, देखते हैं क्या होता है। जी शुक्रिया। अब चलेंगे यूपी अपने साथी पत्रकार तारिक अनवर के पास। तारिक लगातार यूपी घूम रहे हैं, पश्चिम मध्य यूपी बुंदेलखंड वे सब जगह गए हैं। उनसे जानते हैं कि तीसरे चरण के चुनाव का क्या माहौल है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। इनमें मैनपुरी जिले की करहल सीट भी शामिल है, जिससे खुद अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। तारिक जी, आप लगातार यूपी घूम रहे हैं, यूपी छान रहे हैं, तीसरे दौर का चुनाव अब सामने है, आप चौथे दौर और पांचवें दौर की सीटें भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव अब, क्या कुछ माहौल बदल रहा है, किस तरह का माहौल है? देखिए, पहला जो दो चरण का चुनाव हुआ उसमें जो देखने से लग रहा है, जो पब्लिक रिएक्शन है, जिस तरह के मुद्दों पे वो चुनाव हुआ है, उसमें साफ साफ तौर पे जो एक चीज सामने आ रही है कि उसमें बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, ऐसा लग रहा है। लोगों से जो बात हुई है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट उसी के आसपास ये चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी का नुकसान दिख रहा है। ये जो तीसरा दौर का चुनाव होने जा रहा है, ये वेस्टर्न यूपी का कुछ छूटा हुआ बेल्ट है, और उसमें भी उसी तरह की सारी प्रॉब्लम है जो मैं जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात की थी, वही सारी प्रॉब्लम्स है। आगरा से आगे बढ़ते हैं, फरुखाबाद है, फिर फिरोजाबाद है, एटा है, इटावा है, मैनपुरी है, और कन्नौज की सीट्स हैं। यहाँ पे जो एटा, इटावा, मैनपुरी की सीट, ये समाजवादी का ट्रेडिशनल हब माना जाता है, ट्रेडिशनल गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पे तो कंटेस्ट के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। जो बीजेपी को बढ़त कुछ मिलेगी, बीजेपी कुछ अच्छा कर पाएगी, वो कन्नौज की कुछ सीटों पे कर पाएगी, चूंकि एक चीज है जो इलेक्शन में हमेशा सामने आती है, हालांकि इसकी कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज जो देखने को आती है कि हर वो सीट्स जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, 50-50, 60-40 का रेशियो है, वहां पे चुनाव मुद्दे से भटक के सांप्रदायिकता आ जाती है वहां पे, और वहां हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव होता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कन्नौज शहर की जो सीट है, जहाँ से असीम अरुण बीजेपी के जो जो पुलिस में थे, ऑफिसर थे, वो छोड़ के अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है उन्होंने भाजपा को, और वो कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कन्नौज की सीट डिंपल यादव वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं, तो वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन साइजेबल चंक में है, 60-40 का रेशियो है, तो वहां पे लग रहा है कि मुद्दे से हट के वहां पे जो राजनीति अभी हो रही है वो हिंदू मुसलमान की ही हो रही है, जिसमें उसको फायदा होता हुआ। कन्नौज क्या जो जैसे इत्र वाला मसला उठा था, समाजवादी इत्र, छापे, ये सब, उस सब पर कुछ असर है? एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इत्र के कारोबार पे भी जो कब्जा है वो हिंदू अपर कास्ट का कब्जा है, और मुसलमानों का पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस है वो, तो जो उसमें मुस्लिम वोटर्स हैं वो कंसोलिडेटेड हैं समाजवादी पार्टी के फेवर में, लेकिन जो उसी के अपोजिट जो वोट जाएगा वो बीजेपी के फेवर में जाएगा। और जो छापे का मामला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप किसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप वहां पे जाएं, स्टोरी करना है आपको, कोई आपसे बात करने के लिए ठीक से तैयार नहीं होगा वो, और वो असर सिर्फ और सिर्फ उन छापों का है, तो ये है इस तरह का अभी। अच्छा, क्या पहले और दूसरा चरण, जैसे आपने यहाँ हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया, पहले और दूसरे चरण में ये कार्ड नहीं चल पाया आमतौर पर, क्या उससे कुछ अलग है चुनाव आप इन तीसरे चरण में देख पा रहे हैं? नहीं, ये जो मैंने आपको बात बताई, ये अर्बन पॉकेट्स में ऐसा होगा जहाँ पे मुस्लिम, शहरी क्षेत्रों में, तो शहर तो कभी भी समाजवादी पार्टी या इस तरह के लोकल पार्टीज का रहा भी नहीं, वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग
होल्ड होता है। तो जहां मिडिल क्लास होता है जिसको 9 to 5 जॉब भी करनी है, इंडिफरेंट क्लास होता है, उसको मुद्दे से ज्यादा मतलब होता नहीं है, तो वो बेसिकली वोट बीजेपी को जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो पूरे थर्ड फेज का इलेक्शन है, इसमें वही सारे मुद्दे काम कर रहे हैं, वही सारी एंटी इनकम्बेंसी है जो पहले दो फेज में मिली थी, यानी महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी का इशू है, एमएसपी का इशू है, ये सारा ये थर्ड फेज में भी डोमिनेट करेगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंज होता हुआ इसी दौर में अखिलेश यादव का भी चुनाव है तीसरे दौर में करहल से, कुछ उसके बारे में कोई जानकारी? करहल की सीट पे मैं गया था और वहां पे लोगों से बात की, तो करहल का इलेक्शन ऑलमोस्ट वन साइडेड है। वहां पे लोग ये बोल, हार और जीत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वहां पे लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव का विनिंग मार्जिन कितना होगा, और उनके खिलाफ जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो उस तरह का हेवी वेट है भी नहीं जो उनको टक्कर दे पाए। अच्छा, तो एक अंत में मैं ये आपसे पूछूंगा, आपसे आप अयोध्या में हैं इस समय, थोड़ा अयोध्या के बारे में बताते हुए थोड़ा सा एक दृश्य हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। देखिए, ये अयोध्या की एकदम ठीक ये लाइन है, ये राम की पौड़ी कहलाती है, हनुमान गढ़ी का ये इलाका है जी जी। और आप देख सकते हैं हमारे दोनों तरफ दुकानें हैं छोटी छोटी जिसमें पूजा पाठ के सामान मिलते हैं, और आगे जाके राम मंदिर, जो प्रपोज्ड राम मंदिर है, वो वहां पे बनना है। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है वो ये है कि यहाँ पे, चूंकि ये सड़क जिस पे हम खड़े हैं, ये हनुमान गढ़ी का इलाका है, ये सड़क को चूंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो टूरिज्म आएगा, तो ये जो सड़क जिस पे हम खड़े हुए हैं इसको, इसका चौड़ीकरण होना है, इसका वाइडनिंग प्रोजेक्ट है, इसको यूपी सरकार ने महा समथिंग इस तरह का एक नाम दिया, ये कॉरिडोर है एक तरह का। हाँ, ये कॉरिडोर है जिसमें 12 फीट रोड इस तरफ और 12 फीट रोड इस तरफ। क्या यहाँ भी कुछ मंदिर वाराणसी की तरह, काशी की तरह, यहाँ भी मंदिर तोड़ जाएंगे क्या कुछ? बिल्कुल, छोटे छोटे मंदिर। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 12 फीट इस साइड और 12 फीट इस साइड डेमोलिशन होना है। इसमें सारी दुकानें ऑलरेडी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 मीटर ये मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है, और यहाँ पे 3 मीटर का एक निशान लगा दिया जा चुका है, यानी ये 3 मीटर अंदर तक ये दुकान और मंदिर को तोड़ा जाएगा। यहाँ पे छोटी छोटी जगह है, ये नुजूल की जमीन पे बनी हुई चीज है, यानी ट्रस्ट है, ट्रस्ट हनुमान गढ़ी ट्रस्ट है, उसकी जमीन है, और इस जमीन को कम किराए पे यहाँ पे सालों से 3-3, 4-4, 5-5 पुश्तों से लोग रह रहे हैं। और अयोध्या का चुनाव अगले चरणों में होना है, तो हम उस दौरान आपके पास फिर आएंगे और इसके बारे में और विस्तार से जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो आज हमने लिया पंजाब और यूपी के तीसरे चरण के चुनाव का हाल। अपनी बात और इस कार्यक्रम का समापन भी मैं पाश की पंक्तियों से ही करूंगा कि हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते और हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं, जिंदगी, समाजवाद या कुछ भी और। धन्यवाद।